क्लास में बिजी रहा। ये क्वेश्चन हो गया है, सर प्राइम प्लस में हो गया। ये तो कितने तक? 21 तक। ओके नाउ 21 तक गुलोजी तो पता है 20 का है। व्हाट इज द टर्म ओल्ड डिजाइन का यूज टू द वर्ड आज तक रहे ठीक है। Now, what does the word in livery stand for? John Locke, two treaties of government, yani government ke dwara ki gayi do sandhiyan, John Locke, aur rescue ne kya likhi hai? कोई बात नहीं, इसमें अभी आ जाएगा। मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड, क्या डिमांड किया गया? उन्होंने उसकी जगह क्या डिमांड किया? ईच मेंबर, क्योंकि वो 600 थे और दोनों मिला के 300। ये बात सही है। नाउ 24 क्वेश्चन देखिए, हु लेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, यानी थर्ड स्टेट जो है उसमें मेरा भी वो अभी सही लुई 16 कौन कौन वहां गए थे थर्ड स्टेट के लिए? ए एंड डी। ओके नाउ 25th से अगले पांच आंसर माही आप बताएंगे नाउ, ठीक है? उसमें मत देखना, ठीक है? उसमें सर इसमें आंसर है कि नहीं है? नहीं इसमें और इसको बाद में देखेंगे कितना सही बताती है। 26 अब ये पांच क्वेश्चन ये ठीक बताती है कि नहीं ये देखना है, फिर इसको इनको इनाम मिलेगा। According to new constitution, the National Assembly was to be elected directly, बता रही है ये, ए बता रही है, सी हो गया, ठीक है? नेक्स्ट बताओ 27 और दूसरा कौन सा बोल रहे हो? टैली एग्रीकल्चर होगा ये बात से। अच्छा नाउ कार्तिक, ओके नेक्स्ट बताइए 30, 31, 32, 33, 34 बताओ सर।
चर्च नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये सब तो मैप ऐसे छोड़ दीजिए मैप पे बात नहीं आएंगे जो बिना आंसर कर रहा है ऐसा कोई है आंसर है कोई बात नहीं तो एक हमें थोड़ी देर के लिए यही वाली टेबल की जरूरत हो Now, how does the definition of demo ये कौन सा चल रहा है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का निकाल इंडिया साइज एंड लोकेशन इंडिया साइज एंड लोकेशन ठीक है नाउ फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया रशिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान वेस्ट बंगाल उत्तराखंड मध्य प्रदेश जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मध्य प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू कहां से पास नहीं होता राजस्थान उड़ीसा छत्तीसगढ़ त्रिपुरा सो इट इज पासिंग थ्रू उड़ीसा एक गलत चार सही है नाउ नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन अरेबियन सी अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप छह सही बताना है कुछ भी पाने के लिए नाम तो लक्षद्वीप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया सिक्किम त्रिपुरा गोवा उत्तरांचल क्योंकि आपके पास दुख है ना आप क्यों बीच में बोल रहे हैं देखो How did it, जो spices और मसलीन and other merchandise were taken from India to different countries in ancient times. ये merchandise का मतलब कपड़ा होता है और जैसे और भी कुछ है मसलीन भाई ये भी एक मखमली कपड़ा होता है और जो मसाले हैं वो भारत से दूसरे countries में कैसे जाते थे through ocean, through air, through various passes across the mountains and all that above. Through various passes. ठीक है. Okay. तो गोवा वाला question आपके में हटा दिया गया है बाकी आपका अभी दो क्वेश्चन हो गया है ठीक है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया 97 डिग्री 68 डिग्री 30 डिग्री और 8 डिग्री तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एक ही आंसर दिया है तो इसका मतलब है कि लॉन्जिट्यूड का टोटल कितना एक्सपेंशन है और लैटिट्यूड का तो कितना आंसर बताया 30 ठीक है तो तीन आंसर करेक्ट सर ये 30 का सर कहाँ से कहाँ तक नीचे 8 डिग्री 7 मिनट है क्या से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और इधर 68.7 है क्या और तो ये 39.7 तक तो आएगा ओके ये सही बता रहे हैं अगला बताओ Which of the following is the western most latitude of India? Western most का मतलब है कि गुजरात के पास 68 डिग्री तो मैं चार आपको ऑप्शन बता दूं 68 डिग्री समेटे सही आपका सो चार सही हो गए दो और ठीक बता तो the northern most latitude in degrees 8.4 37.6 97.25 all of them 37.5 ये
15 आवर्स 5 आवर्स 30 मिनट अहेड 5 आवर्स 30 मिनट बिहाइंड नन ऑफ द अबव 5 आवर्स अहेड तो आप तो सही सर 5 आवर्स 30 मिनट सर हां तो सर इसने मतलब बोला 5 आवर्स तो इसके सामने ऑप्शन नहीं है क्या करता है ये पूरे कितने वक्त में होगी नहीं वो उसने अहेड तो बताया ना अब चलो आप बताओ उनका बिजी नहीं है ओके अरे हां Now, why is the time lag of 2 hours from Gujarat to Arunachal Pradesh? Because of India, east-west extent, because of India's location, baat na karo. Because of India's location in the Eastern Ocean, Indian Ocean, because it's surrounding by sea from three sides and none of the above. Huh? India's east-west extent. Okay. Now, the eastern most latitude of India is 97.25 सही है दो सही हो गए which of the following groups of island belonging to the Indian territory lying in Bay of Bengal Andaman Nicobar a narrow channel of sea which separates two land masses is known as Parch तो स्ट्रेट यहाँ गड़बड़ी कर दी है क्योंकि ये स्ट्रेट कहाँ पर पड़ती है ये इंडिया श्रीलंका के बीच में उसका नाम क्या है नाउ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है 8230 स्टैंडर्ड मेरिडियन जो मिडिल से जाती है जो अलाहाबाद से Southernmost tip of Indian Union and the mainland. The option. That is Indira Point, Delhi, Chennai and all of the above. Second option. Southernmost tip of Indian. Indira Point. Southernmost tip of Indian Union Indian mainland to Kanyakumari. Sir, option नहीं बताया Kanyakumari. And the Indian mainland. तो इन्होंने Indian mainland का नहीं बताया है. एक ही ऑप्शन दिया है तो इसलिए इंडियन यूनियन का इंदिरा पॉइंट के बाद सही कह रहे हैं इंडियन मेन लैंड का क्या है ये याद रखना इंडियन मेन लैंड का अलग है इंडियन यूनियन का अलग है यानी अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लो तो इंडियन यूनियन बन जाएगी तब उसका डॉट देखो और इंडियन मेन लैंड का देखोगे तो कन्याकुमारी का देखो ठीक है कि नहीं और के टू जो है इंडिया का वो ऊपर वाला है भरा को ना है ना ये याद रखना पड़ेगा ना के टू का मतलब है कंचनजंगा टू ओके एक आपसे पूछा गया है तो आपने सही बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज द मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दैट इज लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड मतलब अगर हम यहाँ पर साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो दिन और रात में अंतर आ जाता है दिन कहीं बड़ा है कहीं रात छोटी है जैसे साउथ तक जाते जाते इक्वल हो जाते हैं तो वो कह रहा है क्यों होता है साउथ टू नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाने पर ये लेटिट्यूड एक्सटेंड है कि लॉन्जिट्यूड एक्सटेंड है स्टैंडर्ड मेरिडियन है ऑल ऑफ दैट अबव सर लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड गलत आपने बताया क्योंकि ऐसे लेटिट्यूड चलते हैं क्योंकि यहां से यहां तक तो एक ही लॉन्गिट्यूड हो सकता है तो लेटिट्यूड समझ में आया ना ये जो सर्कुलर होते हैं वही तो लेटिट्यूड होते हैं रिलेटिव लाइन है ना दैट इज 8 डिग्री 7 मिनट से लेके 39 डिग्री सर 8 डिग्री 37.6 हां तो उसमें देखा जाएगा तो एक ही गलत हो गया एक सही हो गया नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ये हम आपसे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं सो एलुवियल सॉइल भाबर तराई ब्लैक सॉइल ये डिस्टिंक्ट फीचर पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिस्टिंक्ट फीचर क्या है ब्लैक सॉइल वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब समझते हो आप ये चीज है यानी अगर वही कह रहा हूँ
ये पेनिनसुला फ्लैटिव है तो यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो ये उसका डिस्टिंक्ट फीचर है। और ये वेदरिंग ऑफ रॉक से बनी है। ब्लैक सॉइल किससे बनी है? पहाड़ों के टूट फूट से, वेदरिंग ऑफ रॉक से। रेड सॉइल किससे बनी है? इग्नियस रॉक के टूट फूट से। रेड सॉइल मतलब कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़, है ना, जो इस साइड का एरिया है ये सब ब्लैक सॉइल। अब जरा देखो नाउ ब्लैक सॉइल आपने ठीक बताया। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट इज formed of how many major plates? Yes. What is the lesser Himalayas known as? नहीं बता रहे हो। Which of the following was not a part of ancient landmass of Gondwana land? यानी land वो कौन Gondwana land का हिस्सा नहीं था? यूरोप, इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका Gondwana land का हिस्सा नहीं था। तो फिर कौन सा नहीं था? यूरोप। यूरोप तो पहले अपनी जगह ही था ना। ये सब देखो, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका, इंडिया इधर आ गया, तो वो सब एक पार्ट थे कि नहीं? उसी के टुकड़े हुए। आंसर क्या है? यूरोप। नाउ अब आप बताइए अगले छह क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ फैक्टर इन क्रिएशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियाज रिलीफ फीचर्स? हैज नॉट बीन अ फैक्टर, यानी इंडिया में जो रिलीफ पैटर्न है, जो इंडिया की टोपोग्राफी है कि कितनी हाइट है, कितना नीचे है, कहाँ पे रिलीफ पैटर्न का मतलब समझते हो कि कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ पर प्लेट्यू है, तो इसको कहते हैं रिलीफ पैटर्न। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन अ फैक्टर इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रिलीफ? दैट इज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, वेदरिंग एंड इरोजन। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी इज नॉट द फीचर। नाउ नेक्स्ट, ओके, विच इज, अभी आपने एक बताया ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड फाउंटेन माउंटेन? अरावली, नीलगिरी, हिमालय, सह्याद्री। हिमालय, दो ठीक हो गए। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट, when some plates come towards each other, then they form convergent boundary, divergent boundary, transform boundary, colliding boundary. जब दो plates एक दूसरे के पास आती है तो कैसी boundary बनती है? Convergent, divergent, that is transform boundary or colliding boundary. Sir, convergent. ये भी ठीक है, convergent boundary ठीक है। According to theory of plate tectonics, the movement of plate result in some geological activity, which of these is not a such geological activity? Volcanic activity, folding, faulting, glaciation. क्या नहीं होता है प्लेट के मूव करने से? क्या नहीं होता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती कि फोल्डिंग नहीं होती कि फॉल्टिंग नहीं होती है कि ग्लेशिएशन? सर, वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्लेट्स पास आती हैं, देखो ये दोनों प्लेट्स हैं, अब प्लेट्स पास आके एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे क्या? बोलो, तो इससे क्या वॉल्केनो निकलेगा? भाई निकलेगा ना। और अगर इस तरीके से चढ़ जाए तो इससे क्या होगा? ये ऐसे। और कभी कभी क्या होगा कि ये जब चीज बन जाएगी तो क्या ये फोल्डिंग है? और कभी कभी ऐसे भी हो जाए तो क्या ये फॉल्ट बन जाता है? एक दूसरे पे चढ़ जाए तो बीच में दर्रा हो जाए, तो फॉल्टिंग, फोल्डिंग और वॉल्केनिक। अब क्या ग्लेशिएशन, बर्फ का भी गिरना इसी वजह से था? क्या ग्लेशियर बनते हैं इसे? ग्लेशियर तो इससे नहीं बनते। फोल्डिंग का मतलब है कि जैसे एक दूसरे पर फोल्ड हो जाए, नीचे एक दूसरे के ऊपर प्लेट चढ़ा दो तो यहाँ फोल्ड नहीं बन जाएगा। क्या फोल्ड बनने से? देखो कहीं कहीं पर पठार बन जाएंगे, दैट इज ये प्लेट्यू, और कहीं कहीं वॉल्केनिक हो जाएगी एरप्शन, क्योंकि वो वीक एरिया है जहाँ पे ज्वाइंट है वो कैसा है, वही तो वॉल्केनो निकलेगा। और कहीं फॉल्ट भी बन सकता है, प्लेट अगर खिसक गई तो क्या गड्ढा भी हो सकता है? भाई दो प्लेट अभी ऐसे खिसक गई तो फॉल्ट नहीं बन जाएगा। ग्लेशियर्स क्या है कि जैसे ग्लेशियर्स की बहुत बड़े बड़े पत्थर के हिमखंड टूट जाए, ग्लेशियर्स का क्या मतलब है कि इफ दे मेल्ट, अगर नीचे की बर्फ पिघल गई या कहीं करनी हीट पर क्या हो, हीट पड़ने पर अगर बर्फ पिघलती है, देन इट इज ए काइंड ऑफ वो कहते हैं अवलांशे ब्रेकडाउन, अवलांशे, बर्फ गिर रही है
और ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े पहाड़ को ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर भी तो गिरते हैं, ग्लेशियर भी गिर सकते हैं। ग्लेशियर्स क्या है, दीज आर द लार्ज स्लैब। जैसे आप कहेंगे कहाँ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ग्लेशियर, तो आप बहुत बड़े बड़े स्लैब हैं जो जम गए, क्रिस्टलाइज हो गए, तो ग्लेशियर्स है ना। अच्छा, नाउ शीप किला घोर नाथुला एंड पाल, ये सब क्या है, पीक्स हैं, पासेस हैं, रेंजर्स हैं, ऑल ऑफ दैट। देखो शिपकिला, घोर, नाथुला और पाल, ये सब क्या है, पासेस। पासेस, ये ठीक है। तो नेपाल हिमालय लाई बिटवीन, किसके किसके बीच पड़ता है, इंदुस एंड सतलुज, नेपाल के जो हिमालय वो इंदुस एंड सतलुज नदी, यानी सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच पड़ता है, या सतलुज एंड काली, काली एंड तीस्ता, और तीस्ता एंड दैट इज दिहांग, काली एंड तीस्ता। नेपाल में कौन सी नदी बहती है, तीस्ता नदी। जैसे एक वो जिन्होंने अपने जनगण मन या दूसरी चीज गंगा के ऊपर नहीं लिखा, गंगा एक गायक थे, उन्होंने ये गाना गाया, तीस्ता नदी सी तू चन चला और बचपन से भी हूँ मैं मन चला, एक बहुत अच्छा गाना। तो वहाँ की नदी है, नेपाल में कौन सी नदी बहती है, तीस्ता। तो गंगा पे गीत गाया उन्होंने, बहुत अच्छा गीत गाया। काली नदी का तो मुझे पता नहीं है, पर तीस्ता नदी नेपाल में है। तो नेपाल का जो हिमालय है वो किसके किसके बीच पड़ा, बताओ। काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, तो फिर काली चाहे नेपाल के इधर होगी, भूटान के तो ये इधर होगी, काली इंडिया में तो नहीं है ना, तो शायद इंडिया में है, है? है। अच्छा, तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन और आप बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयस और हिमाचल। तो लेसर हिमालय नॉट पार्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल का मतलब है कि जो लेसर हिमालयस है, जो अंदर वाले हिमालयस है, उन्हें लेसर हिमालयस कहते हैं, ठीक है। तो पीर पंजाल कौन इसमें रेंज नहीं है हिमाचल के, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत और कामत। सर कामत, इट इज सो गुड, है ना, एक गलत किया नहीं तो सही, एक गड़बड़ किया ना, ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन वाला क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने स्कूल पर लेट जॉइन किया था ना, तो तब तक वो टेक्टोनिक प्लेट्स वाला। चलो कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गए ना, ग्लेशिएशन, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसका तो टेस्ट हो गया, इसका टेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो, अब आप बताइए, आपसे पूछ लिया गया। Now, which of the, ये बात हो गई, which of the following is a plausible theory presented by a scientist regarding the formation of continents and oceans and various landforms? कौन सी थ्योरी बताई गई है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कंट्री बने हैं, ओशंस बने हैं और बहुत बहुत बड़े कंटिनेंट्स बने हैं, तो इसके पीछे क्या थ्योरी बताई गई है, कि थ्योरी ऑफ मोशन, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, सही है। द लैंड मास बाउंड्री बाय द सी ऑन थ्री साइड इज रेफर्ड टू, तो जो तीन साइड की तरफ जिसके सी हो उसे क्या कहेंगे, लैंड मास बीच में तीन तरफ सी हो, क्या उसे कोस्ट कहेंगे, आईलैंड कहेंगे, पेनिनसुला, नन ऑफ दीस, ओके, दो सही हो गए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री इज नॉट फॉर्म बाय द प्लेट मूवमेंट, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री नहीं बनती है प्लेट मूवमेंट से, so this is कौन सी बाउंड्री नहीं बनती है, that is convergent boundary, divergent boundary, transform boundary, physical boundary, it is a physical boundary, यानी इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर प्लेट मूवमेंट हो तो क्या नहीं बनता, कन्वर्जेंस की होगी, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे चल जाए, खुल जाए तो फॉल्ट बने, एक होता है फोल्ड बने तो कन्वर्जन, फॉल्ट बने तो डाइवर्जन, डाइवर्जन बने तो दूर जाए, फॉल्ट, समझ आई बात की नहीं, yes। और एक है कि ट्रांसफॉर्म कुछ ना कुछ जमीन में टुकड़े भी हो जाते हैं, आपको मालूम है अफ्रीका महाद्वीप के दो टुकड़े होने वाले हैं, अफ्रीका के टेक्टोनिक प्लेट खिसक गई, 1 मीटर के बीच में गैप आ गया सर, अफ्रीका में, हां मुझे पता है, मैंने देखा था सर, एक अरे हो गया, थोड़े दिनों में दो महाद्वीप हो जाएंगे, देखिए विंटर में लैंड स्लाइड हो जाए तो कहाँ होगी, शिवालिक में, हिमालय में, मिडिल हिमालय या कहीं शिवालिक,
शिवालिक में इट इज करेक्ट तीन हो गए इन डिवीजन ऑफ हिमालय एंड द फेमस वैली ऑफ कश्मीर कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड तो अभी तक पवन ने भी प्राइस पाया है ठीक है नाउ हिमाद्री हिमाचल शिवालिक एंड दूंग इनमें से भाई लगातार बात कर रही हूँ इन विच डिवीजन ऑफ हिमालय एंड द फेमस वैली ऑफ कश्मीर कांगड़ा एंड कुल्लू लोकेटेड विच डिवीजन ऑफ हिमालय ये वैली कहाँ पे है हिमाद्री में है कि हिमाचल में है कि शिवालिक में कश्मीर कांगड़ा और कुल्लू कहाँ पे है हिमाद्री में लोकेटेड है हिमाचल में कि शिवालिक में हिमाचल में लेट अस शो यू ये जो माउंटेनियस रेंज आपको अभी पता नहीं है ना कि कहाँ कहाँ पे तो फिर आपको उससे फायदा हो जाएगा लोकेशन ऑफ हिमाद्री शिवालिक लोकेशन ऑफ हिमाद्री एंड शिवालिक लेट मी टेल यू दिस सो देखिए नाउ आर यू सीइंग क्या इसमें आपको पता चल रहा है ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय और शिवालिक कहाँ है सो एक है नंबर वन पे ग्रेट हिमालय ये कौन सा हिमालय है ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालय है और ये बीच वाला क्या है नंबर टू में लेसर हिमालय और थ्री पे शिवालिक और दैट इज शिवालिक ये बात हो गई नाउ अब अगला देखो सर केटू कहाँ पर है अभी केटू सबसे ऊपर है कराकोरम रेंज ये केटू है ऑरेंज कराकोरम रेंज जो ग्रेट हिमालय है ठीक है साथ तक समझ में आ गई ना अगर आता भी है तो भी बात मत करो मतलब ये नहीं कि उसको मत बताओ कि देखो केटू यहाँ पड़ता है रावण सबसे ऊपर केटू ही होता है ना छिपाओ चीजों को सबसे ऊपर केटू होता है हाँ केटू यही है कराकोरम रेंज ठीक है ना मालूम है तो भी मत बताओ डॉट है तो एक रेंज है इसमें कंचनजंगा की चोटी है तो कंचनजंगा एक लास्ट पॉइंट मिलेगा क्या अब हिमाचल बता देना आपको अब जरा और देखिए इसमें इंदुस कहाँ पर है इंदुस क्या इंदुस तो रिवर है ना इंदुस रिवर है तो ये यहाँ पर पड़ेगी ग्रेट हिमालय से निकलती है इंदुस रिवर आप देखो कहाँ से निकलती है ये ग्रेट हिमालय इंदुस इसमें दिख रहा है सो इंदुस इसमें कहाँ पर है ब्लू 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 डॉट ओके नाउ आप देखिए इट इज इंदुस ओके अब ग्रेट हिमालय रेंज आपको पता चल गई सेंट्रल हिमालय दिख रहा है सेंट्रल हिमालय और सेंट्रल हिमालय देखिए और ईस्टर्न हिमालय ठीक है अब और देखते हैं नाउ नेक्स्ट इज ओके तो इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेंजेस थी हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक तीन अलग अलग रेंजेस हैं yes, तो जो इसमें ये ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय शिवालिक तो ग्रेट हिमालय हो गया कहते हैं सर केटू क्या केटू एक एक तरीके का माउंट है अरे पेपर में अभी दिखेगा
हियर आर सम, अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीजें कहाँ पड़ती हैं। सो कुल्लू वैली आपको पता चल रहा है कहाँ पर पड़ रही है, तो कुल्लू वैली ये नीचे की ओर पड़ रही है, तो ये कहाँ पर आएगी, यानी आप यहाँ पर, ठीक है, ये इनर हिमालय, ये कैसा है, इनर हिमालयास, और जो बाहर है वो क्या है, आउटर हिमालयास, आउटर वो हमारी एक्सेस से बाहर है, वहाँ कभी पहुंच ही नहीं सकते। शिवालिक को बोलते हैं, सब बुक में है, ज्योग्राफी की बुक शिवालिक कहाँ पर है, शिवालिक आउटर हिमालय नहीं, अभी आपने देखा ना इसमें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसमें है। सो लेट मी टेल यू, इसमें देखो बुक है किसी के पास, लेकिन बुक देखने से पता चलेगा बुक तो यही है, बुक तो यही है। ओके सर इसमें ठीक साइज का फोटो देखो, शिवालिक रेंज इसको देखें, तो आपको इसमें क्या चीज पता चल रही है, यहाँ पर देखें आपने, कहाँ पे क्या क्या पड़ेगा, दैट इज ये पता चल रहा है कि आउटर हिमालय क्या है, आउटर हिमालय क्या है इसमें देखो। सो मैं आपको बना देता हूँ, इसमें रहने दो। सो शिवालिक रेंज ये सबसे नीचे क्या है, शिवालिक, जैसा कि बता रहे थे उदयवीर कि नीचे सबसे शिवालिक पड़ेगा, तो नीचे शिवालिक हो गया सर, हिमगिरी होता है, और इसमें और भी कौन कौन सी चीजें पड़ रही हैं, नीचे शिवालिक है और नीचे धौलागिरी है, देखो तीन अलग अलग रेंज है, तो शिवालिक रेंज है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ये सब यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ पे धौलागिरी है, यहाँ पे क्या है, धौलागिरी अन्नपूर्णा भी यहीं पड़ेगा, अन्नपूर्णा। इसके अलावा जास्कर रेंज कहाँ पर पड़ेगी, ऊपर ये यहाँ पे जास्कर रेंज, ओके और ज्यादातर ये सारे नीचे ही पड़ रहे हैं, बाकी आपको इनर आउटर समझ में आ गया ना कि कहां पर क्या क्या है। ये ओके अभी सर मेरी बुक में तो ये है नहीं सर, मेरी बुक में नहीं है, ये भी नहीं है सर, ठीक है ठीक है नहीं सर, मेरी बुक में जस्ट वेट, इन व्हिच डिवीजन ऑफ हिमालय आर द फेमस वैलीज, कश्मीर कांगड़ा और कुल्लू कहां पर, तो ये हिमाचली में है, हिमाचल में है कि शिवालिक,
कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा ये कहाँ कहाँ पर है? हिमाद्री, हिमाचल में, शिवालिक में कि दून में? हिमाचल। तो यानी कश्मीर, कांगड़ा जो हिमाचल है, तो यानी आपके एक्सेस में यही वाली, आप यहाँ तक कभी गए नहीं हो, तो आप कभी भी लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय में गए नहीं हो, आप उसकी पहली रेंज को पार नहीं कर पाए। अच्छा, पहली और दूसरी रेंज के बीच में देहरादून है क्या? अल्लाह नवी चुंदन जो पास होता है और जो दोनों को पास करे तो वो अलग चीज होती है, तो उसे दून कहते हैं, जो लॉन्गी पहाड़ों के बीच बीच चले। तो यहाँ पर आप हो, आप नीचे वाले हो। आपका आधे से ऊपर है सब हिमालय। आप देखो जो मैप है आपकी बुक, जम्मू तो यानी यहाँ तक नहीं है हिमालय, ये तो मैंने दिखा दिया, यहाँ से ऊपर है हिमालय। बात समझ आई कि नहीं? जम्मू तो नीचे ही है ना, जम्मू के बाद में हिमालय, जो पहली बेल्ट है हिमालय की वो कब शुरू होती है? जम्मू के बाद में। ओके, देख लो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कश्मीर है, यानी आपकी जम्मू जो है ना ये नीचे वाली हिमालय में पड़ेगी, ये है जो। तो यहाँ से यहाँ तक तो गए हैं, यहाँ तक गए हैं, यहाँ तक कभी नहीं गए, हमारे हिस्से में सिर्फ इतना ही है। चलिए, पीओ के इतना पड़ जाएगा, इतना पड़ जाएगा यहाँ पे। हिमालय वाला पोर्शन ज्यादा नेपाल में, हिमालय वाला पोर्शन चाइना वाला, नेपाल पूरा। ओके, नाउ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे? ये रिपीट हो गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर जियोलॉजी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी अनस्टेबल जोन? कौन सा अनस्टेबल जोन है? हिमालय, हिमालयन माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट और आइलैंड, कौन सबसे ज्यादा अनस्टेबल? दैट इज हिमालयन माउंटेन इज द अनस्टेबल जोन। ओके, अब अगले क्वेश्चन आप बताइए। नाउ रावल बताएंगे व्हिच पार्ट ऑफ हिमालय इज पेरिनियली स्नो बाउंड। तो कौन सा, व्हिच पार्ट इज पेरिनियली स्नो बाउंड? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल, जिसमें हर साल बर्फबारी होती है, साल भर बर्फबारी रहती है, स्नो बाउंड। किस पार्ट में बर्फबारी होती रहती है? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल? शिवालिक। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में साल भर, जो सबसे पीछे वहां कोई नहीं जा सकता, वहां साल भर बारिश रहती है। कुमाऊं हिमालय रीजन लाइज बिटवीन रिवर्स, कुमाऊं हिमालय किस किस नदी के बीच पड़ता है? बीज एंड रवि, चिनाब एंड रावी, सतलुज एंड काली, व्यास एंड चिनाब। व्यास एंड रावी, चिनाब एंड रावी, सतलुज एंड काली, व्यास एंड चिनाब, ये कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं गढ़वाल पड़ता है, वो किन नदियों के बीच में पड़ता है? सतलुज एंड काली, ये सही है। नाउ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, उसे क्या कहते हैं? जो टेबल लैंड ऊपर प्लेन हो, नीचे नीचे जमीन से उठी हो, टेबल लैंड, उसे क्या कहते हैं? हिमालय, मेदर प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, इधर भी पेनिनसुलर प्लेट्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालय, अभी तक आपने दोनों सही बताए ना, कोई गलत तो नहीं बताया ना? गलत बताया ना, ग्रेट हिमालय। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ हिमालय आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन द फ्रॉम द रिवर, जो सेडिमेंट से लाया हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालय, तो ऐसी कौन सी रेंज ऑफ हिमालय है जो इससे बनी है? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, दैट इज पीर पंजाब रेंज, कराकोरम रेंज, शिवालिक रेंज, लद्दाख रेंज। इट इज शिवालिक रेंज। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद मेनमाला कलेक्टिवली नेम्ड एज, जो माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, फिर उसको क्या कहेंगे? हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, नॉर्थ ईस्ट। माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट का मतलब समझते जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार, और म्यांमार के साथ लगती हो, ऐसी रेंज जो म्यांमार के साथ लगती हो, ठीक है, तो पूर्वांचल इट इज करेक्टली नेम। एक और बता दीजिए, पूर्वांचल, पूर्वांचल ये बिहार और उसके आसपास जो यूपी है वो सब पूर्वांचल,
पूर्व का आंचल, ये क्या है? आप ये देखो, ये उत्तरांचल है, ऊपर पड़ा तो उत्तरांचल, पूर्व में पड़ा तो क्या पूर्वांचल नहीं पढ़ोगे? आएगा ना ये सब भी पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है कि जिसकी सीमा असम के साइड है, तो पूर्व में जितनी चीजें हैं वो सब पूर्वांचल। आंचल का मतलब हिम के आंचल, हिम की छाया में रहो, समझ में आई बात? आंचल का मतलब तो शैडो, शैडो होता है ना, तो हिम के आंचल में रहना। हिम है, शाम को 4 बजे से ही शाम हो गई, धूप चली गई, सूरज 4 ही बजे चला जाएगा। वहां तो इतना बड़ा है हिमालय, क्या सूरज दिखेगा तुमको? अब देखिए, The northward drift of Indo-Australian plate resulted in its collision with much larger duration plate. Which of these was the result of collision? Yani Indo-Australian plate, जो थी, यानि एक तरीके की tectonic plate जिसे गोंडवाना नेटिव है, तो वो टकरा गई, resulted collision with Eurasian plate. तो इससे क्या हुआ? गोंडवाना ने split into a number of plates. The countries of Europe and Asia are formed. The sedimentary rocks accumulated in the Tethys Geocycline were folded. And India, Australia were formed. तो क्या हुआ? जब ये गोंडवाना लैंड टकराई, तो क्या चार चीजों में क्या हुआ? कि एक तो ये बता रहे हैं कि जो गोंडवाना लैंड स्प्लिट हो गई नंबर ऑफ प्लेस में टकराने से, ये हुआ। दूसरा कहते हैं यूरोप एंड एशिया बन गए उसकी वजह से, और तीसरा बता रहे सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस जियोसाइक्लाइन वर फॉर्म। सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेटेड इन द टेथिस जियोसाइक्लाइन वो फोल्ड हो गए, और चौथा बताया जा रहा है इंडियन ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म। बताओ सी है, फोल्ड हो गया और उससे हिमालय बना, ये सही बता रहे कि नहीं? इट इज फोल्डेड। एंड नेक्स्ट वन इज द एरिया वेयर द हिमालय स्टैंड टुडे वाज ऑक्युपाइड बाय एन एंशिएंट सी गॉड। तो जहां पर हिमालय आज है वो पुराने समय में किसी सी, उसकी जगह पे एक सी था, तो सी का नाम क्या था? क्या पंथा लाशा सी, रेड सी, तैतीस सी और डेड सी? तैतीस सी। तो एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, बाकी पास सही है। ना वो ना सर, सर दो पॉइंट से दो सर, तैतीस का रेवेन्यू वो मेडिटोरियन सी है क्या? तैतीस का रेवेन्यू तैतीस सी का, तैतीस सी का रेवेन्यू वो मेडिटोरियन सी। रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो बचा हुआ है ना भूमध्य सागर, ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्योंकि वो बीच में ट्रैप हो गया और वो वेरी साल्टी रीजन है, यानी अफ्रीका के बीच में एक सी पड़ता है ना यहाँ पर, तो दैट इज मेडिटेरियन सी, वो अब ट्रैप हो गया, वहाँ साल्ट तो इकट्ठा होता है लेकिन उस पानी का कोई किसी से कनेक्शन है क्या? उसके बगल में रेड सी और ब्लैक सी भी है, रेड सी में ब्राउन एल गए हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। गाय नहीं होती है जितना जाती है, सर ग्रीन है। सर एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी में मेरे टेस्ट में, कि क्वेश्चन था कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। ऑप्शंस थे पहला कि बिकॉज़ इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, दूसरा था कि इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, तीसरा था कि इंडिया हैज ट्रांस ओशन रूट्स कनेक्टिंग टू अदर कंट्रीज, और चौथा था ऑल ऑफ दीस। तो क्या क्योंकि वो उसका रूट भी वही है, सेंट्रली लोकेटेड भी है साउथ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, तो ये सभी है। और सर शिप भी उधर से आती है ना, इसीलिए उसको हिंद महासागर कहते हैं, हिंदुस्तान के नाम। और सर वो इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम देखो, क्योंकि वो ट्रांस ओशन सी है। अच्छा ओके, नाउ जस्ट अलाउ सार्थक टू आंसर द क्वेश्चन, बात मत करो। अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ नदन प्लेन। तो जो नदन प्लेन है वो उसका कौन हिस्सा नहीं है? भाबर खादर भांगर डेजर्ट, यानी नदन प्लेन में क्या चीज नहीं है? दैट इज भाबर खादर भांगर और डेजर्ट, सही है, पहला आंसर सही है। टोटल लेंथ ऑफ नदन प्लेन इज, नदन प्लेन जो है हमारा बीच में है ना, नदन प्लेन उसकी टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर। जो नदन प्लेन की लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है, 3600 किलोमीटर है, 2400, ये भी सही, दो सही हो गए। द नैरो ओपनिंग इन द माउंटेन रेंज विच प्रोवाइड्स पैसेज थ्रू द माउंटेन। तो नैरो ओपनिंग माउंटेन रेंज में, अगर नैरो ओपनिंग है, माउंटेन है, माउंटेन के बीच की ओपनिंग, तो माउंटेन के बीच की जो ओपनिंग है दूसरे माउंटेन तक रेंज तक ले जाए, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट वैली पास मैन ऑफ द ईयर, तीन सही हो गए। नेक्स्ट देखिए,
अब हम लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी में आएंगे. व्हाट इज डेमोक्रेसी इंडिया और श्रीलंका को जो मिला है ये तो मुझे लगता है 30 degrees होगी अभी देख लेते हैं 20 degree. अच्छा नाउ जस्ट पवन इनको और तीन बताने दो इनके तीन सही तीन और अगर बता देंगे तो ये भी बन जाता है. चलो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. डिक्टेटरशिप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोनार्की डेमोक्रेसी. वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल जिसमें रूलर्स जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं. डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोनार्की डेमोक्रेसी. चार सही हो गए. हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस. तो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी That are not clearly democratic. उनसे ये separate करती है कि देखो ये non democratic है और ये democratic है. पहला option ये दिया है कि एक तो ये करती है इससे इसकी definition clear हो रही है. दूसरा so that we get voting rights. तो हमें democracy कैसे help करती है जिससे कि हम voting rights पा सकें. To figure out what lies in a democracy. Democracy में क्या होता है ये जो definition है वो हमें इसके बारे में बताती है. चौथा है कि run. So how does the definition of democracy help us? One, it separates, discriminates, differentiates between democratic government and non-democratic government. पहला ये बताया गया. दूसरा क्या बताया गया? दूसरा बताया गया so that we can get voting rights. Democracy इस तरीके से define it. To figure out what lies in democracy. Democracy में क्या है? इसके बारे में बता. ये चौथा कह रहा है ना? Second है so that we can get voting rights. जरा इसका आंसर चेक करो. तो पांचवा गड़बड़ हो गया. एक और बता देखें शायद कितने गड़बड़ हैं. How were the rulers of Myanmar elected? Dictatorship by the people. Those who happened to be in control of army because of the rulers, monarchy. तो rulers of Myanmar कैसे elect होते हैं? क्या dictatorship से होते हैं या by the people होते हैं? Those who happened to be in control of army became the ruler. जो आर्मी के कंट्रोल में थे वही रूलर बन गए हैं. और चौथा है मोनार्की. बात ना करना है. चौथा है मोनार्की. मोनार्की का आंसर सही है. तो जो आर्मी की बात मानते थे उन्हीं को उन्होंने रूलर बनाया. ठीक है ओके. अब फिर से हम वापस आते हैं कार्तिक के पास. सर आप तो पेपर कैसा पता चला गया. चलो आ जाते हैं कुछ करना है. सर कोई भी आंसर कर सकता है. हम बता देंगे तो जिससे हम पूछेंगे वही आंसर करेगा. ठीक है हाथ वाला करो ना जो आप करेगा उससे पूछ लीजिए. ठीक है नाउ पहला क्वेश्चन. व्हाट इज द चाइनीज पार्लियामेंट कॉल्ड. एक ऑप्शन नहीं है. बोलो नेशनल पीपल्स कांग्रेस.
नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो पीआर है तो उसका है शरीर क्या ऑप्शन नहीं देंगे फिर तो बात नहीं बनेगी ना। ठीक है, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी, वी वुड एंड अप, जहां देना होगा वहां देंगे, जहां नहीं देना होगा नहीं देंगे। सो आपको बताना है, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, तो एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, यस नो मे बी नन। इसका मतलब समझाऊंगा, इसका मतलब एक्चुअली क्लियर नहीं है। वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, जो गलत बताएगा तब माइनस पॉइंट है, और जो सही बताएगा फिर जो टोटल पॉइंट बनेंगे उसके आधार पर होता हो जाएगा। ओके, नाउ वी वुड एंड अप, जो नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं, उसके पॉइंट नहीं, जो नहीं बताएगा उसके कोई पॉइंट नहीं। ठीक है, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम हर एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलेंगे जो इलेक्शन कराते हैं। ये सही बात है, वी वुड मतलब हम, अब हम हर एक, ये बात सही है। देखो इसका मतलब समझ में आ गया, तो इसके चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं कि यस, मैंने सबसे पहले बोला, अभी रुको, यस नो मे बी नन, यस कहा जा रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। आई थिंक इट इज सर मे बी होना चाहिए ना सर, मे बी यस सर, क्योंकि चाइना क्योंकि कई जगह इलेक्शन होते हैं चाइना में भी होते हैं, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी है? क्योंकि वो तो मे भी नहीं है, नो मे भी, इसमें कई चीज है कि वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, ए गवर्नमेंट नहीं लिखा है, कह रहा है ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, सेंटेंस का फ्रेमिंग समझो, वी विल एंड अप कॉलिंग, तो आप कह सकते हो मे बी, और कह रहा है ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, वी डोंट नो, एवरी तो नहीं हो सकता ना, एक ही बात कह रहा है सभी गवर्नमेंट को बोलो हाँ या ना, इसके दो ही है ना, समझ में आई बात की नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन, अच्छा मुझसे आप मत बोलिएगा, आपके कोई पॉइंट नहीं, सेफ रही, आपको चांस मिल रहा है, चांस तो दिया जा रहा है ना, मत बोलिए दूसरे पे पास हो जाएगा। Which official must be elected for any government to be called a democracy? Must be elected for any government. किस डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए कौन सा ऑफिशियल का गठन किया जाता है जो ये इंश्योर करे कि हाँ अब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं? Which official must be elected for any government? That is certain people from different constituencies passing the criteria to be elected. Any adult of the country, only bureaucrats, head of different organizations. तो किन्हें हमें रखना पड़ेगा चेक करने के लिए, हमें ये चेक करने के लिए कि हाँ ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उनमें से कौन से ऑफिशियल अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे? That is certain people from different constituencies, लोगों को बुलाना पड़ेगा अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से, एनी एडल्ट ऑफ कंट्री, किसी को भी बुला लो, सर्टन बीच में मत बोलेगा, ओनली ब्यूरोक्रेट्स जो अफसर लोग हैं, आईएएस अफसर पीसीएस, उनको बुलाओ, हेड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओ। आपसे कहा पूछा, अपने मन ही से बता रहे बोलो सर, ए जिससे पूछा जाएगा फिर पास हो जाए, ए ए। सो दैट इज सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज पासिंग क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड, इट इज करेक्ट आंसर। यानी समझ में आई बात की नहीं? अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से कुछ लोगों को बुला लो, तो जैसे कहीं पर भी फ्रॉम सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड, सो विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, मस्ट बी क्वेश्चन है हाँ, नहीं ये वही क्वेश्चन है, मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, अगर उसे हमें डेमोक्रेसी बोलना है
तो सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज पासिंग द क्राइटेरिया टू बी इलेक्टेड, इसका मतलब समझ में आया उधर? क्या मतलब सर कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए कि एक बंदे को क्या क्वालिफाई करना चाहिए? किसके हाथ में है? द ऑफिशियल हेड्स, द मोनार्क्स, दोज इलेक्टेड बाय पीपल, नन दोज इलेक्टेड बाय पीपल. So it is correct. जो फाइनल डिसीजन लेने की जो ताकत है पावर किसके हाथ में है? नाइन, एक मिनट, नाइन का सी. सो दैट इज दोज इलेक्टेड बाय, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होगा? कौन डिसीजन लेगा, कौन नियम बना रहा है? दोज इलेक्टेड बाय, हम आप तो नहीं बना रहे, हमने इलेक्टेड के भेज दिया. नाउ नेक्स्ट इज, इन चाइना इलेक्शंस आर regularly held after every years for electing the country's parliament. कितने सालों में regular elections होते हैं दिव्या? यानी 4, 5, 6 or 3, कितने साल बाद, कितने साल की frequency में वहाँ चुनाव होते हैं? 10 बोलो. 5 years. It is correct. कितने मेंबर पूरे चाइना से इलेक्ट होते हैं? 2,000, 3,000, 2,500 और 3,000. It is correct. Now, कितने लोग चाइना में इलेक्ट होते हैं हर साल? कितनी है उनकी बड़ी संसद? 3,000 लोग. बहुत बड़ी संसद. भाई हमारे यहाँ कितने हैं? वो 545 है जो लोकसभा में बैठते हैं. 3,000 तो उनके आप 3,000 करोड़ होता ना? चलो ओके. When did Mexico became independent? Rawal, 1979, 1981, 1980, 1982. Mexico कब independent हुआ सर? 1979 में की, 81 में की, 80 में की, 82. 79, 81, 80, 82. Mexico कब आ जाए? अभी बनाया गया है वहां मैक्सिको का, 2 साल से नहीं बनाया गया, दिखाया था न्यूज में क्या बनाया है? वहां आजादी का जश्न मनाया गया है परसों की न्यूज में. सही बताया नहीं, 1980. ओके नाउ Mexico holds election every after how many years to elect its president? That is 5, 4, 6, 3. Six. Which country has never been under a military or dictator rule? क्यूबा, मेक्सिको, इंडिया, नेपाल. जो कभी किसी डिक्टेटर में क्यूबा, मेक्सिको, इंडिया, नेपाल. मेक्सिको. कोई बात नहीं. देखो नाउ लेट अस कम अगेन. Democracy is based on, बात ना करें, democracy is based on discussion and meeting are amongst few. So किस पर based है? पहला option, discussions and meetings are amongst few. कुछ के बीच में discussion हो. Discussion and meeting occurs when a number of people put their head together, no discussion, unruly crowded members with no formal decision. Option B. Option B, 29. B होगा.
यानी डिस्कशन एंड मीटिंग अकर व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जब बहुत सारे लोग अपना दिमाग खपाए किसी चीज में, देन इट इज कॉल्ड डेमो. सर जो इलेक्टेड है वो दिमाग खपाए. यस बट दैट इज नॉट मेंशनड हियर. इफ ए नंबर है ना इलेक्टेड रिप्रेजेंट देयर व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, इतना ही. तो हेड तो सर वही होगा ना जो इलेक्टेड हो. नहीं, यहां हेड का मतलब अपना सर खपा दे. अच्छा, मतलब ज्यादा दिमाग दिमाग किसी चीज पर लगाए मेंबर्स. नाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज चेंज, इट अलाउज वोटिंग, इट अलाउज राइट टू ओपिनियन, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स अवर मिस्टेक. चार ऑप्शन बताए गए. पहला, डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से बेटर है. क्यों है? इट अलाउज चेंजेस ए, इट अलाउज वोटिंग, इट अलाउज राइट टू ओपिनियन, इट अलाउज टू करेक्ट its own mistake. Sir, the second kya tha? It allows changes. It allows voting. It allows right to opinion. It sir, C. C. So sir, D. 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 Now, China's famine of China. Sir, D option kya tha? कई ऑप्शन दिए जा रहे हैं, देख लो. 58 से 61 ओके. नाउ व्हाट इज true of democracy? That is by the people for the people. Yani democracy ke bare mein kya satya hai? Leadership keep changing in a democracy. Ye dusra pehla hai, by the people of the people. Leadership keep changing in a democracy. This leads to instability. Democracy is all about political competition and power play. Ye teesri baat hai. Aur chauthi baat hai, elected leaders do not know the best interest of people. पहली चीज क्या बताई गई? ऑफ द पीपल बाय द पीपल. क्या सत्य है डेमोक्रेसी? ऑफ द पीपल बाय द पीपल. दूसरी बात बताई गई, लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. तीसरी बात बताई गई, डेमोक्रेसी इज पावर प्ले. चौथी बात बताई गई, इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द इंटरेस्ट ऑफ. सही बी आप बता रहे हैं. सर ए होगा ना. सर ए होगा. सर बाय द पीपल ऑफ द पीपल. अरे बाय द पीपल फॉर द पीपल होता है ना सर. हां, बाय द पीपल ऑफ द पीपल. बाय द पीपल फॉर द पीपल. चलो ठीक है, फॉर द पीपल. इस वजह से क्वेश्चन पूछ आपको नंबर. व्हाट रिक्वायरमेंट डू द पीपल ऑफ द स्टेट नीड बिफोर इलेक्शंस? डू द पीपल ऑफ स्टेट नीड. क्या क्या जरूरत होती है, यानी अगर इलेक्शंस होने हैं तो लोगों की क्या जरूरतें हैं? तो उन्होंने कहा, दे शुड फ्री टू थिंक, दे टू हैव ओपिनियन, उनकी अपनी विचारधारा होनी चाहिए, टू फॉर्म एसोसिएशन और ऑल. एसोसिएशन क्या है? कोई संगठन बनाने, लोगों के अपने संगठन हो. यानी इलेक्शन होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? दे शुड बी फ्री टू थिंक. अच्छा, 24 में अभी तक टॉप मोस्ट पे कौन है? राइट टू वोट. तो इन सऊदी वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. नहीं तो फिर उसके बाद अलग ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, फिर बाद में 2015. चलो कोई बात नहीं. विच कंट्री
over the years, Mugabe's government changed the constitution dash times to increase the powers of president. How many times was the constitution was about there? Five times, three times, several times, none. पास हो गया तो दिव्या के चांस है। मुगाबे ने कितनी बार डिसीजन चेंज किया? फाइव टाइम्स, थ्री टाइम्स, सेवरल टाइम्स और नन? सेवरल टाइम्स। सर सही है, चेक करो। यस सर सही है, ये करेक्ट है। ओके, नाउ जिम्बाब्वेज लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आप आ गए ना चांस? चलो, सो जिम्बाब्वे लीडर रूल्ड द कंट्री, रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें आंसर ही दे दिया, फिर से रॉबर्ट मुगाबे दे दिया। नाउ ओके, How are the rulers of Saudi Arabia elected? By the people, rule of the army, because they happen to be born into royal family, none of these. Royal family. Yes, it is correct. Okay. Now, एक और राउंड होगा। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के है ना, जिन्होंने इंडिपेंडेंस में लड़ाई की थी, तो 60 में हुई, 60 में भारत रत्न नहीं दिया गया है, 64 63 61 64। इसका आंसर है 64, इनको एक नंबर मिल रहा सर आवाज चमचा ये दो है। अगला देखो बोलो। सत्ताईस नहीं है, 28 है, 28 ईयर्स। अब देखिए, हाउ वाज द नेटिव पॉपुलेशन नोन एज ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका। ये थर्ड राउंड है। नेटिव पॉपुलेशन नोन एज ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका इन 17th सेंचुरी, व्हाट वाज, जो वहां की नेटिव पॉपुलेशन थी वो 17th सेंचुरी में कितनी थी? टू थर्ड, हाफ, थ्री फोर्थ, वन फोर्थ। जो ब्लैक्स कहलाती थी ना, वो पॉपुलेशन कितनी थी 17th सेंचुरी में, 1600 से 1699 तक, कितनी थी? टू थर्ड थी, हाफ थी, वन फोर्थ थी कि थ्री फोर्थ? पास भी कर सकते हो, आता है तो बता भी सकते हो, जैसा था वैसा कर सकते हो। सर थ्री फोर्थ, ये सही बता रहे, ये राइट ऑफ किया जाता है। सर आपने माइनस भी कर दिया, दो पॉइंट दे दिया ना, मतलब माइनस वन हटा दिया, मतलब उसको चीजों का पता नहीं था ना, इसलिए सर। हाँ सर, सर नया अभी नया है सर, आपने पहले बोला कोई भी, अगर कोई थर्ड है, अगर थर्ड में सब लोग आ गए तो तीन नंबर मिले, तीन राउंड है ना। अच्छा, नाउ विच ऑफ These was the most salient underlying conflict in making a democratic constitution. मतलब बहुत मूलभूत
व्हाट इज द अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट इन मेकिंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका में एक क्या बहुत बड़ा विवाद हो गया डेमोक्रेसी बनाते समय, सेलियंट अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट। सो दैट इज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, जो साउथ अफ्रीका है और उसके जो पड़ोसी देश हैं, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट मेकिंग ए डेमोक्रेटिक, बिटवीन मेन एंड वुमेन, बिटवीन व्हाइट मेजोरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी, बिटवीन कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी, सब ब्लैक मेजोरिटी, बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, सब ब्लैक मेजोरिटी वाला जो था ना। अच्छा देखो सही पावर बता दे। अब आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन चुनो। व्हाइट Which of these is a provision that a democratic constitution does not? है हाँ, यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन नहीं है? पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नहीं होता, क्या प्रोविजन नहीं होता? कि पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट का प्रोविजन नहीं होता, नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट का प्रोविजन नहीं होता, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर का प्रोविजन नहीं होता, या नेम ऑफ द कंट्री का प्रोविजन नहीं होता। Which of these is a provision that a democratic constitution, democratic संविधान में क्या provision नहीं होता? Power of the head of state, यानी power of head of state का provision नहीं होता कि उनके क्या powers हैं। फिर name, head of state का क्या नाम है, वो जिला अधिकारी है कि जिला परिषद है, इसका provision नहीं होता। Powers of the legislature, यानी legislature का मतलब है कि जो चुन के जाते हैं विधायक हुए, चाहे लोग लेजिस्लेचर हैं, तो और बोलो क्या एक बताना ही पास करना चल रहा है एक मिनट जो है अच्छा एक बार सर नेम होगा कि नेम ऑफ द हेड ऑफ ये बता रही है। फिफ्थ का डी दैट इज नेम ऑफ कंट्री का प्रोविजन नहीं होता। यानी अगर जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम नहीं होता, नेम ऑफ द कंट्री व्हिच Which of this is these is a provision that a democratic constitution, democratic constitution में नाम का कोई provision नहीं होता, मतलब संविधान के हिसाब से कोई नाम नहीं है। जैसे कह दो कि देश का नाम संविधान के हिसाब से नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी रख सकता है। नहीं वो तो हेड का नाम है, क्योंकि कई जगह काउंसलर है, कई जगह हेड ऑफ स्टेट का वो है। सो लेट अस चेक इट कि व्हिच ऑफ दीज इज ए प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट। नेम ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट, ये किस आपने क्या बताया था? सर इसका ए था, ए था, ओके कोई बात। नाउ नेक्स्ट इज माही का हो गया, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द गवर्नमेंट विल नेवर फेवर एनी रिलीजन। फिर से बता सर डी होगा। That is what does it mean by sovereign? Sovereign से तुम क्या समझती हो? That is people have the supreme right to make decision. Head of the state, people should ये
कि संप्रभुता देश की संप्रभुता से क्या लेना देना है। अच्छा पवन, नाउ देखो, ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉट हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, बट ऑल दैट इज सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? सही तो बोला था, सही बोला था, सही बोला था, तो उसे क्या कहें? सेग्रीगेशन है सर, ये सब काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग हों, इट इज कॉल्ड बी सेग्रीगेशन। माइनस करो, माइनस माइनस नाउ। नाइंथ क्वेश्चन, द डैश वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, सो द अफ्रीकन पीपल्स कांग्रेस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, किसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, कि दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे सेग्रीगेशन की पॉलिसी है ना काले गोरे की, यहाँ कुत्ते और इंडियंस के लिए नहीं लगा, ये ऐसा लिखा जाता है ना जगह जगह, तो ये पॉलिसी का किसने विरोध किया, अफ्रीकन पीपल्स ऑफ कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, या कांग्रेस ऑफ अफ्रीका, या ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने विरोध किया, तो नाइन का आंसर है बी, दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इट इज करेक्ट। व्हाट वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड, तो व्हेन वाज, यानी रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का झंडा कब फहराया गया, तो दैट इज 94, 96, 93, 95, व्हेन इट इज अनफर्ल्ड। नहीं तो कब फहराया गया दो लोग, सर 93। चलिए तो ये क्वेश्चन पास हो जा रहा है, व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड, सर यानी 94, 96, 93, 95 कब कब फहराया गया, किया। ओके नेक्स्ट, After the emergencies of new democracy of South Africa, black leaders appeal to fellow blacks to, जब emergencies आ गई, after the emergence of new democratic sir, जो South Africa में new democratic government आई, तो वहाँ के leaders ने, जो black leaders ने, जो fellow blacks थे, उनके साथी काले लोगों से क्या अपील की, तो क्या अपील की, forgive the whites for the atrocities they had committed, जो उन्होंने घपले किए हैं या भेदभाव किया, क्या उनके लिए उन्हें क्षमा कर दें, ऐसा बोला, you have to take revenge to the whites that the whites must leave the country or none, उन्होंने क्या लोगों से अपील की, नहीं 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 रैगो का मतलब इनडायरेक्टली भी बता रहे किसी को भी, yes, बहुत बोलो पास करवाना चाहिए फॉरगिव द वाइट्स, सही है, तो नाउ अभी उदय पे तीन नंबर आ गए, ये थ्री वन माइनस वन वन नाम
प्लस टू वन और टू ठीक है। तो अभी देखो जो आपको इसमें सेकंड को भी हम प्राइस दे देंगे सर, रावल को, प्रत्युष को और उदय को। क्यों? हाँ प्रत्युष एंड रावल थर्ड नहीं है, थर्ड क्या करोगे? हाँ ये किसकी कॉपी है? याद है एक बार वीडियो कॉल में सबसे ऐसे कैसे कॉपी सबसे आसान है।